इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आर्यस अग्रवाल क्लास 12 का एक्सरसाइज 5 सी क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए मैट्रिक्स दिया है एंड बी मैट्रिक्स दिया है, फाइंड 3 a² - 2b + आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। चलिए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, 3a² - 2b + में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपका देखिए 2:2 का मैट्रिक्स है, मींस आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका 2:2 का ही होगा। ठीक है, यही आपको फाइंड कर लेना है। चलिए इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, ए स्क्वायर जरूरत पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं। देखिए ए लिख दिए, ए मैट्रिक्स मेरा क्या है 2, 3 - 1, 2, ओके, इंटू आपका फिर से ए इंटू ए स्क्वायर होगा 2, 3 - 1 और ओके। ठीक है, चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 × 4 - 3। ठीक है, 2 × 4 हो गया और ये -3। चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 - 2 - 2 - 2, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 6 - 3 × 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 + 4। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 - 3 = 1 हो गया, ये आपका -4 हो गया, ये मेरा 12 हो गया, ये मेरा प्लस 4 - 3 = 1। ठीक है, आपका ए स्क्वायर तो फाइंड हो गया, अब आपको बी तो ये सिंपल सा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको तो पता ही है कि आपका 2:2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3a² - 2b + आई यही चाहिए आपको, सारा चीज का वैल्यू डाल दे, 3a² हमने अभी कैलकुलेट किया है 1, 12 - 4, 1। ठीक है, ये आपका 3a² मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अब -2 और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारा यहाँ गिवन है 0 - 1, 4, 7 प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल पे आपका 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। चलिए अब बस आपका सारा चीज हो गया, अब बस क्या करना है कैलकुलेट कर देना है। पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 3 बार है, सारे एलिमेंट से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 12 = 36, 4 × 3 = 12, 3 अब यहाँ पर भी है 2 से कर दीजिए तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 8 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये मेरा 14 हो जाएगा। ठीक है, इधर तो आपका सिंपल ही है 1001। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए तीनों को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ 3 - 0 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -12 - 8 - 20 + 0 - 20 रहेगा। ठीक है, उसी तरह 36 - - 8 + हो जाएगा, 36 + 2 मेरा क्या हो जाएगा 38 + 0 मेरा 38, तीनों को एक साथ कर दिए 3 - 14 मेरा क्या हो जाएगा -11 और -11 + 1 - 10 हो जाएगा। ठीक है, ये बस आपको कर लेना है, तो आपका ये कैलकुलेट हो गया, आपका यहाँ पे छूट गया ये 3a² - 2b + i मेरा आ गया। ठीक है, 3a² - 2b + i मेरा ये मैट्रिक्स आ गया 4 - 20 = 38 - 10। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही सिंपल सा, बस आपको कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ a इक्वल टू या मैट्रिक्स 2:2 का दे दिया, देन फाइंड -a² + 6a। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस आपको a स्क्वायर, ये तो 6a है, सिंपल सा है, इसका मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर आपको फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, जो जरूरत है उसको फाइंड कर लेते हैं, a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। a स्क्वायर कैसे लिखेंगे, a * a लिखेंगे, तो a मेरा हो जाएगा 2 - 3 - 2 और 4 डॉट, आपका मल्टीप्लीकेशन कर दिया साइन, 2 - 3 - 2 और 4 हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन कीजिए, दो दुना चार प्लस छ हो जाएगा। उसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस चार माइनस आठ, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस छ माइनस बारह, सेकंड रो सेकंड कॉलम सिक्स प्लस चार चौका सोलह, ठीक है। चेक कर लीजिए आप, ये सही है, दोना चार प्लस सिक्स, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका होगा माइनस चार और माइनस आठ, और ये माइनस छ माइनस टू सही है, सिक्स प्लस आपका सोलह, ठीक है। कैलकुलेशन आपका सही होगा, आंसर आया जाएगा सिक्स प्लस फोर टेन हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व माइनस एटीन सोलह छब्बाइस, ये आपका ए स्क्वायर फाइंड हो गया। अब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको क्या फाइंड करना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस का सिक्स ए, सारा वैल्यू ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, चलिए तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर बड़ा यहाँ है टेन माइनस ट्वेल्व माइनस एटीन और ये ट्वेंटी, ठीक है, प्लस सिक्स इंटू ए, ए मैट्रिक्स से ऑलरेडी गिवन है टू माइनस थ्री माइनस टू और, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस है बाहर, स्केलर मल्टीप्लाई माइनस वन कर लीजिए, जैसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा माइनस टेन, ये ट्वेल्व हो जाएगा, ये एटीन हो जाएगा, ये माइनस ट्वेंटी। अब इधर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन से करना है, छह दूना बारह माइनस बारह माइनस अठारह छह चक चौबीस। अब आप क्या कर लेना है, इधर भी लिखते चलिए साथ में माइनस ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए, ठीक है। चलिए अब इधर कैलकुलेट कर लेना, माइनस टेन प्लस में ट्वेल्व, मेरा क्या हो जाएगा प्लस टू आ जाएगा, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो आ रहा है, 18 माइनस 18 मेरा फिर से जीरो आ रहा है, और माइनस 22 प्लस में 24 मेरा टू आ रहा है, ठीक है। एडिशन में आपको पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया आपका, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, सब सेम ही क्वेश्चन है इसमें, देखिए If A 2 to 2 का मैट्रिक्स गिवन है, so that इसमें show करना है, आपको दिखाना है कि आपका A square minus 5A plus 7I equal to 0 matrix, null matrix, ठीक है, सारा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले A square find कर लेते हैं, A square इसमें कल जरूरत पड़ेगा, तो A square find कर लेते हैं, A into A उसका डायरेक्ट हम लोग इसको show करेंगे, A into A लिखेंगे, थ्री माइनस वन वन टू इंटू थ्री माइनस वन वन टू, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थ्री थ्री जाए नाइन और माइनस वन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थ्री प्लस टू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस थ्री माइनस टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस वन प्लस फोर, टू जा फोर, ठीक है। नाइन माइनस फोर मेरा क्या हो गया एट हो गया, थ्री टू फाइव हो गया, माइनस फाइव हो गया, ये आपका थ्री हो गया, ठीक है, ये आपका एट है, यहाँ एट, चलिए सही से लिख देते हैं, नाइन माइनस वन एट, चलिए ये बात समझ में। अब डायरेक्ट हम लोग एल एच एस पे शो करना है, तो एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस क्या है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, ए स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, एट माइनस फाइव फाइव थ्री, ठीक है। चलिए माइनस फाइव ए माइनस फाइव लिखेंगे, ए मैट्रिक्स तो आपका ऑलरेडी गिवन है, थ्री माइनस वन वन टू, ठीक है, प्लस सेवन आई, आई मतलब जानते हैं आपको, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स डायगोनल पे आपका वन वन ही होगा, ठीक है। ये सब आपका क्या है, टू इंस टू का है, तो ऑलरेडी हम इसको टू इंस टू ही लेंगे, ठीक है। जितना का मैट्रिक्स था ए थ्री इंस टू थ्री का ले रहा था, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्री इंस टू थ्री का होगा, ठीक है। चलिए बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका क्या होता है, ये तो सिंपल सा रहेगा, अभी हम इसको रहने देते हैं। अब इधर स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं,
फाइव से करेंगे तो पांच तीन पंद्रह, फाइव माइनस फाइव, फाइव टू जा टेन, प्लस में सेवन से यहां करेंगे सेवन, ये तो जीरो होगा, जीरो सेवन, यही आपका क्या है एलएचएस। ठीक है, अब आगे बढ़ते, अब इसको हम लोग सॉल्व कर, आठ माइनस पंद्रह क्या हो जाएगा माइनस सात हो जाएगा, और माइनस सात प्लस सात क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, उस तरह फाइव माइनस फाइव माइनस जीरो, फिर ये प्लस जीरो, जीरो ही रहेगा, माइनस फाइव ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो, यहाँ पे जीरो, ये जीरो हो गया, ये क्या है थ्री है, थ्री माइनस टेन माइनस सेवन प्लस सेवन अपन जीरो, देख लीजिए आपका ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो आपका ये एल एच एस इक्वल टू मेरा आर एच एस सो हो गया। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स शो करना था आपका, सो हो गया। ठीक है, बहुत इजी था, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए, आपके टू टू का दिया, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू आपका नल मैट्रिक्स, पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर शो करना है यहाँ पर भी, अब क्या क्या जरूरत पड़ रहा है आपको, यहाँ ए क्यूब का भी जरूरत पड़ रहा है, ए स्क्वायर का भी जरूरत पड़ रहा है, हम लोग ए स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा और ए क्यूब भी फाइंड करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को ए स्क्वायर तक की जरूरत पड़ता था, हम ए स्क्वायर फाइंड करते थे, अब यहाँ पर हम लोग को ए क्यूब भी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो पहले हम लोग ए क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए टू ए हो जाएगा, मेरा ए मैट्रिक्स तो गिवन है ऑलरेडी, टू वन थ्री टू इंटू टू वन थ्री टू। ओके, चलिए हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दो दूना चार प्लस तीन, चार प्लस तीन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दो तीन छ प्लस छ। ठीक है, एक एक चीज स्टेप वाइज दिख रहे हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टू वन जा टू प्लस टू, टू प्लस टू लिख दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थ्री प्लस फोर हो जाएगा सेवन, ये आपका सिक्स सिक्स ट्वेल्व हो जाएगा, फोर प्लस में आपका ये सेवन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, ए स्क्वायर आपका हो गया कैलकुलेस। अब हमको क्या करना है यहाँ पर बताइए फटाफट, ए क्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, ए क्यू भी फाइंड करना है, ए क्यू हम क्या कर लेंगे, ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, सेवन फोर ट्वेल्व सेवन इंटू आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है टू वन थ्री टू। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सात दूना चौदह प्लस में बारह, ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सात तीन इक्कीस प्लस में चौबीस, बारह दूना चौबीस। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चार दूना आठ प्लस में सात, उसी तरह आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चार तीन बारह प्लस में चौदह, सात दूना चौदह। ठीक है, चलिए चौदह बारह क्या हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा, चार एक पांच और दो दो चार हो जाएगा। ठीक है, आठ सात पंद्रह हो जाएगा, ये आपका छब्बीस। ठीक है, ए क्यू भी फाइंड हो गया, ए स्क्वायर भी आपका फाइंड हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका एलएचएस लिखते हैं यहाँ, एलएचएस इक्वल टू आपका क्या यहाँ पर दियो, ए क्यू माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू, आपको जीरो शो करना है, ए क्यू का एक वैल्यू रखेंगे हम 26, यहाँ पर 15, 45, 26, माइनस 4 लिखेंगे, ए स्क्वायर आपका ऑलरेडी गिवेन है 7, 4, 12, 7, ठीक है, प्लस में ए मैट्रिक्स आपका 2, 1, 3, 2, ठीक है, बस आप क्या करना है इसको कैलकुलेट कर लेना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसका हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। चलिए, सात चौका अट्ठाईस हो गया, बारह चौका अड़तालीस हो गया, चार चौका सोलह हो गया, सात चौका अट्ठाईस हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, टू वन थ्री टू, चलिए छब्बीस में से अट्ठाईस गया माइनस दो प्लस में दो, यहाँ जीरो हो जाएगा, पैतालीस में से अड़तालीस गया माइनस तीन प्लस में तीन, यहाँ जीरो हो गया, पंद्रह में से सोलह गया माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, छब्बीस में से अट्ठाईस गया माइनस दो प्लस में दो आपका, चलिए ये आपका इक्वल टू
जीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। चलिए आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया, मींस आपका ये आरएचएस हो गया। आरएचएस यही तो करना था, कहां चला गया, ये, ठीक है। चलिए आपका वेरीफाई यहां तक हो गया, ठीक है। जो जो जरूरत है पहले वो फाइंड कर ले, जैसे इसमें ए स्क्वायर ए क्यू दोनों था, हम दोनों फाइंड कर लिए, उसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए इक्वल टू टू का मैट्रिक्स दे दिया, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए माइनस टू आई, आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, के आपका यहाँ स्केलर है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर ए तो दिया हुआ है, आई भी आपको पता है, ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं, उसका डायरेक्ट पुट करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज टू ए लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है मेरा 3 4 माइनस टू माइनस टू इंटू आपका हो गया 3 4 माइनस टू माइनस टू। चलिए फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, 3 3 जाए 9 माइनस 8 लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस सिक्स और प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस सिक्स और माइनस माइनस प्लस का 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 में से 8 गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 8 प्लस में 4, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर लेंगे, 9 माइनस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 12 में से 8 गया, 4 हो गया, माइनस 8 प्लस में माइनस 4 हो, ठीक है। यही सब ध्यान रखना है आपको। चलिए ए स्क्वायर भी हो गया, सारी चीज हो गया, अब हमको जो दिए हुआ उसी इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे, इसी इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू वाई दिए हुआ है, ठीक है, इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर का हमको ऑलरेडी वैल्यू पता है, हमने कैलकुलेट किया है, क्या है 1 4 माइनस टू माइनस 4, ठीक है। के तो आपको फाइंड करना है, ये आपका मैट्रिक्स ये हुआ है 3 4 माइनस टू माइनस टू, आपको माइनस टू इंटू आई मैट्रिक्स भी ऑलरेडी पता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 1 0 0 लिख देंगे। अब देखिए अब इसको स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर तो आपको सिंपल सा है, इधर करेंगे मल्टीप्लाई 3k हो जाएगा, ये आपका माइनस 2k हो जाएगा, ये आपका 4k हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है। इधर भी कर लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इधर घटा लेते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा बताइए, इधर से फटाफट बताइए 1 4, इधर तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर क्या आ जाएगा, 3k माइनस 2, 3 का माइनस 2 माइनस 2k, 4k आ जाएगा और मेरा माइनस 2k, ठीक है। चलिए आपका किसी को भी आपको अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया। अब इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और ये दोनों बराबर होगा, ये और ये दोनों बराबर होगा, ये सारा बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो हम एक सा कोई सा भी लेते हैं, उससे हम k का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। तो हम पहला ही ले लेते हैं, मेरा कह रहा है 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3k इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो k मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, ठीक। कोई सा भी आप इक्वेशन इसमें ये माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k भी डालेंगे तो आपका यहाँ से k का वैल्यू 1 ही आएगा, बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू टू का मैट्रिक्स दियो, फाइंड फंक्शन ऑफ ए वेयर एफ एक्स इक्वल टू, आपका ये फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 3। तो कुछ नहीं करना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपका यहाँ पे फंक्शन दिए हुआ है। क्या दिया हुआ फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस में 3, ठीक है। एफ ऑफ ए क्या होगा, सेम बताइए,
स्क्वायर माइनस टू ए प्लस में थ्री हो जाएगा, ठीक है। यही आपको फाइंड कर लेना है, क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए कर रहा है, ठीक है। आप क्या कहें, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा तो ए, ये तो मेरा ए दिया हुआ है, माइनस टू ए निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए थ्री है, देखिए एक बात आपको समझना है, ये तो आपका फंक्शन दिया हुआ था, अब हम मैट्रिक्स में लिखेंगे ना, आपको डायरेक्ट थ्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमेशा ऐड किसके साथ होगा, मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पर आपको थ्री आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई मेरा यूनिट मैट्रिक्स का काम करेगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। हमें देखिए ये आप थ्री लिखा हुआ था, बात समझिए थोड़ा सा, ये ऐसे मान आप एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, एफ ऑफ ए फाइंड किए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये दोनों तो मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, स्केलर हो गया, आपका मैट्रिक्स प्लस स्केलर तो आपका होगा नहीं, कभी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही ऐड कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग थ्री इंटू आई देंगे, ठीक है, आई का वैल्यू वन ही लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग सेट करने के लिए क्वेश्चन में मैट्रिक्स का हम लोग मैट्रिक्स एडिशन करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बात समझ में आ गया। चलिए हमको जरूरत क्या पड़ेगा, ए स्क्वायर पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इज टू ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा माइनस वन थ्री टू वन, ओके, इंटू माइनस वन थ्री टू वन। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मेरा वन हो जाएगा और प्लस में सिक्स हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थ्री टू सिक्स प्लस वन हो जाएगा, इस तरह हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सेवन जीरो, ये सेवन, ये जीरो हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर आपका कैलकुलेट हो गया, अब हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है उसको फाइंड करते हैं, जो दिया हुआ है आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए यही फाइंड करना है, प्लस में थ्री आई फाइंड करना है, तो हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सेवन जीरो जीरो सेवन, अब हमारे लिखेंगे माइनस टू लिख देंगे, जैसे उसे कॉपी कर लेंगे, ए का मैट्रिक्स आपका माइनस वन थ्री टू वन, प्लस में आपका थ्री इंटू आई मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, वन वन जीरो जीरो, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, ए सॉरी टू। चलिए बात समझ में आ गया, चलिए ये आपका थ्री एट की तरह, चलिए थ्री लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा माइनस टू फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, प्लस में आपका इसको भी इसके लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री जीरो जीरो थ्री। अब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, अब देखते हैं क्या आता है, सेवन ये तो माइनस है, सेवन टू सेवन प्लस टू मेरा नाइन हो जाएगा, प्लस में थ्री ट्वेल्व हो जाएगा, जीरो माइनस फोर आपका फिर यहाँ जीरो, माइनस आपका फोर आ जाएगा, माइनस सिक्स ही आएगा, और आपका सेवन माइनस टू गया फाइव, प्लस थ्री मेरा एट, यही आपको कैलकुलेट करना था। ये कितना नंबर क्वेश्चन, सेवनटीन नंबर, ठीक है, बात समझ में है। इधर आपने हमने लिखना भूल गए, ए स्क्वायर माइनस टू, ये सब आपको लिखते रहना, यही आपको कैलकुलेट करना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात समझ में आया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। इफ ए इक्वल टू यहाँ टू इज टू का मैट्रिक्स क्यू एंड एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यू प्लस फोर एक्स प्लस फाइव फाइंड एफ ए, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह है ये, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व फंक्शन लिखते हैं पहले, एफ एक्स जो दिए हुआ है टू एक्स क्यू प्लस में फोर एक्स प्लस में, ठीक है, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा बताइएगा, टू इंटू एक्स ए क्यू प्लस फोर ए, ठीक है, प्लस फाइव, फाइव डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट स्केलर रहेगा, तो डायरेक्ट हम इसको हम लोग मैट्रिक्स बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग को इसमें जरूरत क्या पड़ेगा, ए क्यू का जरूरत पड़ेगा, ए स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, तो ए क्यू डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते हैं, इसके लिए हमको ए स्क्वायर तक तो जाना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं उसके बाद हम लोग ए क्यू फाइंड करते हैं। चलिए ए इंटू ए लिख दिए वन फोर
2 माइनस 3, उसी तरह आप लोग बढ़ेंगे 1 4 2 माइनस 3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरा हो जाएगा 1 प्लस में 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मेरा हो जाएगा 2 माइनस 6 हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 12 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 दूना 8 प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये मेरा माइनस 4 हो जाएगा, ये मेरा माइनस 8, ये मेरा 7। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बस आपको कैलकुलेशन करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज हो गया, अब हम लोग ए स्क्वायर हो गया, अब हम लोग ए क्यूब की तरफ बढ़ेंगे, तो ए क्यूब को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर मेरा क्या है, 9 माइनस 8 माइनस 4 17 इंटू आपका ए मैट्रिक्स भी आपको लिखना है 1 4 2 माइनस, फटाफट इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको फटाफट आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस में आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 दूना 18 प्लस में 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका माइनस 8 प्लस 17 चौका 68, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 16 माइनस में 51। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो माइनस 7 आ जाएगा, 18 12 30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 60 हो जाएगा, और ये करेंगे तो मेरा 7 और आपका क्या हो रहा है माइनस 6, ये 6 वन, ठीक है 5 माइनस 67 माइनस में ये रहेगा। इतना बात समझ में आ गया, बस आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, अब आपको ये ए क्यूब फाइंड हो गया डायरेक्ट, अब हमको जो फाइंड करना था उसमें डाल देंगे। हमारा एफ ऑफ ए क्या था, एफ ऑफ ए था मेरा 2aq प्लस में 4a प्लस में 5, यही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट फटाफट कर लीजिए, 2 इंटू ए क्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, माइनस 7 60 और आपका ये 30 है, ये आपका 67 है। ठीक है, प्लस में 4a लिखेंगे, a मैट्रिक्स तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, 1 4 2 माइनस 3 प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 1। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अब देखेंगे क्या होता है, ये माइनस 14 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 60 दूना 120 और 14 मेरा 134 हो जाएगा, माइनस में आएगा। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 8 16 माइनस 12 प्लस में आपका ये हो जाएगा 5005। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, माइनस 14 प्लस 4 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 5 मेरा माइनस 5 हो जाएगा, 16 प्लस 8 मेरा 68 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा 120 प्लस में 16 136 हो जाएगा, उसी तरह हम लोग बढ़ेंगे, माइनस 134 और 12 मेरा कितना हो जाएगा 146, माइनस 146 माइनस 141 आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी है, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का बोर्ड में एग्जामिनेशन में आपका इस तरह क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। आपका ये दिया हुआ ए मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको 2 माइनस 3 1 1 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 1 दे दिया हुआ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी से बढ़ेंगे हम लोग, जो गिवेन है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है मेरा 2 1 माइनस 3 1 इंटू आपका x और y भी दिया हुआ इक्वल टू आपका 1 3। बहुत अच्छी बात है, हम लोग फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट देख लेते हैं पहले कितने का मैट्रिक्स है, 2:2 का है, ये आपका 2:1 का है, फर्स्ट रो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम इसमें का, इसके रो के बराबर,
और रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2:1 का ही आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स आपका 2x-3y हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 1, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल का होगा, ऑर्डर तो सेम ही है आपका, ये रो ये आपका एलिमेंट ये इसके बराबर होगा, मीन्स आपका 2x माइनस यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 2x-3y=1 हो गया। उसका सेकेंड में आपका एक्स प्लस वाई मेरा 3 आ गया, ठीक है। दो इक्वेशंस आपके पास है, दो इक्वेशंस आपके पास है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए यहाँ पे लाइन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है आपको, एक दो वेरिएबल एक्स और वाई फटाफट कैलकुलेट कर दीजिएगा आप, ठीक है। कोई मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक। हम यहाँ से ये पुट करने वाला मेथड यूज करते हैं, y इक्वल टू यहाँ से ले लेंगे 3-x, अब इसका वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 2x-3 इंटू ये y के जगह 3-x डाल देते हैं, सिंपल सा ये, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं 9th-10th से ही, ठीक है। 10th में तो आपको इतने पढ़ा हुआ लिए कुछ इंटू बड़ी बड़ी, ये सिंपल सा है 2x-9 प्लस में 3x, ये आपका हो जाएगा 1, आपका हो जाएगा 3 to 5x, और ये आपका 1 + 9 मेरा 10 हो जाएगा, x मेरा यहाँ से 10/5 मेरा 2 आ जाएगा। उसी तरह आप हमारे x फाइंड हो गए तो y मेरा क्या हो जाएगा 3-2 मेरा 1, 3-x, x का वैल्यू 2 है मेरे यहाँ से y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, x मेरा 2 आया है, y मेरा 1 आया है, बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई जो दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको क्या करना है उसके बाद हम लोग इक्वेट कर देंगे, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा देंगे यहाँ पर। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, एक तो ऑर्डर सेम हो कंडीशन याद कर लीजिए, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके जगह पे आपका ये है, मीन्स 2x-3y=1 हो जाएगा, उसी तरह आपका x+y=3 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 सेम आपका उसी तरह है, अब इसको फटाफट अपने से सॉल्व करें वीडियो पॉज करके। चलिए यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, बहुत लोग बस वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसमें चलते हैं, अब आपका क्या होगा 3, 1-4, 2 जो दिए हुआ उसको लिख लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, x इंटू वाई इक्वल टू आपका 3 और 11, बहुत अच्छी बात। सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 3x फर्स्ट रो फर्स्ट को लेंगे 3x-4y आपका x+2y हो जाएगा, फिर से दो इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से पिछले क्वेश्चन की तरह, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मीन्स आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और ये बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 3x-4y ये आपका एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह आपका इसको मिटा देते हैं, चलिए ये आपका इसके बराबर हो जाएगा मीन्स x+2y=11 ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए आप इसको फटाफट दोनों इक्वेशन आप किसी तरह भी आप सॉल्व करके, आपको बहुत सारे मेथड होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी तरह से आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम x इक्वल टू यहाँ से क्या लिख देंगे 11-2y, ठीक है। अब इसके इसमें डाल देते हैं वैल्यू 3 × 11-2y - 4y = 3 मेरा क्या हो जाएगा 33-6y हो जाएगा, माइनस में आपका 4y = 3 तो -10y = 3-33 जाएगा मीन्स आपका 30 हो जाएगा, तो y मेरा 3 आ जाएगा। उसी तरह मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर x = 3 डाल देंगे यहाँ पर 11-2 = 3 हो जाएगा, y का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मेरा x का वैल्यू 11-6 मेरा 5 आ जाएगा। आपका पता हो गया आपको x इक्वल टू मेरा 5 आ गया है और y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये सब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं, इफ a इक्वल टू आपका 2:2 का मैट्रिक्स दे दिया, फाइंड x एंड y सच दैट आपका a² + xi = y * a आपका
इक्वेशन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या जरूरत पड़ेगा, ए स्क्वायर, ठीक है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर को लिखेंगे फटाफट, हम जो जरूरत है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ए इंटू ए, ए थ्री सेवन वन फाइव इंटू आपका थ्री सेवन वन फाइव, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, थ्री थ्री या नाइन प्लस में सेवन हो जाएगा। उसी तरह आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थ्री प्लस फाइव हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सात तीन इक्कीस प्लस में सात पांच पैंतीस आपका उसी तरह हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सात प्लस में पच्चीस, ठीक है। ये आपका नौ सात सोलह आठ और ये पांच एक छह और तीन दो पांच ये बत्तीस हो जाएगा, ठीक है। आपका ये तो आपका कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर जो गिवन है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई इंटू ए है, ठीक है, इसी से हम लोग को आगे बढ़ना है। चलिए तो हम लोग ए स्क्वायर के यहाँ पर ए स्क्वायर डाल देते हैं, हमने अभी कैलकुलेट किया है सिक्सटीन एट फिफ्टी सिक्स थर्टी टू प्लस में एक्स इंटू आई मैट्रिक्स आपका वन जीरो जीरो वन, आपका क्या हो जाएगा वाई इंटू ए मैट्रिक्स आपका थ्री सेवन वन फाइव, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिक्सटीन एट फिफ्टी सिक्स थर्टी टू प्लस में आपका एक्स जीरो जीरो एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा थ्री वाई, ये आपका वाई हो जाएगा सेवन वाई प्लस फाइव वाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं इस तरफ एलएचएस की तरफ, सिक्सटीन प्लस एक्स आपका ये एट हो जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा, ये 32 प्लस में x हो जाएगा, ये आपको क्या आ गया 3y और ये y हो जाएगा, ये 7y और ये आपका 5y, बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आपका ये इक्वेशन बना लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट 3y, मीन्स आपका इक्वेशन यहाँ बनेगा 16 प्लस में x इक्वल टू 3y, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरा में 8 इक्वल टू वाई मीन्स वाई इक्वल टू एट, डायरेक्ट आपका आ गया वैल्यू, वाई का वैल्यू 8 आ गया। अब इसी चीज को इसमें डाल देंगे, मेरा क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू वाई का 8, तो मेरा एक्स इक्वल टू 24 माइनस 16, 16 8 24 मीन्स आपका 8, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर डबल बना के लिख दीजिए, एक्स इक्वल टू 8 और वाई इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का है। इफ ए इक्वल टू आपका 2:2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए आपका स्केलर है, ठीक है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जरूरत पड़ेगा ए स्क्वायर का, हम पहले चुपचाप यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे दिए हुआ थ्री वन टू वन, ओके थ्री वन टू वन, बस कैलकुलेशन अच्छा से करना है। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, थ्री थ्री या नाइन, थ्री थ्री या नाइन प्लस में टू, नाइन प्लस टू लिख दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तीन दूना छः प्लस दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम थ्री प्लस वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू प्लस वन, ये क्या हो जाएगा इलेवन हो जाएगा, ये एट हो जाएगा, ये आपका फोर हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिए हुआ इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो आपका इक्वेशन दिए हुआ ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारा ए और ए स्क्वायर तो ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है ए ग्यारह चार आठ तीन प्लस में आपका ए यहाँ पर रखने देंगे और आपका ए हो जाएगा थ्री वन टू वन प्लस में आपका बी मैट्रिक्स, यहाँ बी तो ऑलरेडी आपको फाइंड करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन रखने देंगे इक्वल टू आपका जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको जीरो जीरो टू टू का जीरो मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, ग्यारह चार आठ तीन, इसमें तो कोई मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा है, इसमें थ्री ए लिख देंगे, टू ए लिख देंगे,
ए लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा बी जीरो जीरो बी हो जाएगा, और आपका यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो 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 लिख देंगे। अब हम लोग इधर वाला एल एच एस वाला के तो सबको आप लोग क्या करना है, ऐड कर देना है 11 प्लस 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 11 प्लस 3 ए प्लस बी, 11 प्लस 3 ए प्लस बी हो गया। उसके बाद 8 प्लस 2 ए प्लस 0 तो आपका सेम रहेगा, 4 प्लस ए प्लस 0, 4 प्लस ए प्लस 0, 4 प्लस ए ही रहने देते हैं, 3 प्लस ए प्लस में बी। इधर तो आपका 0 0 मैट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, बस आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है और आपको वहां से वैल्यू निकालना है। ये आपको किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। फटाफट हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 11 प्लस 3 ए प्लस बी इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। दूसरा में क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 ए इक्वल टू मेरा दे रहा है, ये भी आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो हम इसको सेकेंड इक्वेशन ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 ए इक्वल टू माइनस 8, ए इक्वल टू माइनस 4। एक तो आपको पता चल गया ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4 आ गया ठीक है। इसी चीज को हम लोग यहाँ फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3 इंटू ए था, एक माइनस 4 डाल देंगे प्लस बी इक्वल टू जीरो ठीक है। तो आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 12 प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो आपका 11 में से 12 का माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा ठीक है। आपका क्या आ गया, ए इक्वल टू माइनस 4 और बी इक्वल टू सीधे 1 प्लस 1 आ गया ठीक है। बात समझ में आ गया, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 22, ए माइनस 4 आ गया और बी मेरा 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 माइनस 2 माइनस 7 3 इंटू आपका ए मैट्रिक्स ही फाइंड करना है, पहले ए मैट्रिक्स गिवन ना था, अब आपको ए मैट्रिक्स ही फाइंड कर लेना है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, इसे बहुत सारे अच्छे से कंसेप्ट आप समझ लिए समझे होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते। चलिए देखते हैं, देखिए ये आपका 2:2 का मैट्रिक्स है ठीक है, ये भी आपका 2:2 का मैट्रिक्स है। अब आपका पहले तो पता करना होगा इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना है, दो मैट्रिक्स है, कब आपका कंडीशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर होगा, मींस आपका ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है तो इसका रो का रो भी आपका क्या होगा, 2 ही होगा ठीक है। एक तो आपको पता चल गया ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है 2:2, ये आपका देखिए यहाँ तो 2 है ही, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, दोनों अंदर वाले को हटा देते हैं बाहर वाले का रहता है, 2 यहाँ है मीन्स आपका यहाँ भी 2:2 है, मीन्स आपका 2 हो गया ठीक है। यहाँ का 2 तो यहाँ हो गया और यहाँ का 2 ये हो गया ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 2:2 का मैट्रिक्स आ जाएगा ठीक। पहले ऑर्डर पता कर लेना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे ए मैट्रिक्स को हम लोग मान लेते हैं, कोई पता नहीं है अभी हम ए बी सी डी मान लेते हैं ठीक है, इसका एलिमेंट हम लोग कुछ टू मैट्रिक्स ए बी सी डी मान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 माइनस 2 माइनस 7 3 इंटू ए मैट्रिक्स हम लोग मान लेंगे ए बी सी डी, ऐसे ही मान लिया ठीक है। कुछ टू मैट्रिक्स था माइनस 16 माइनस 6 7 2 ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 5a माइनस 7c ओके, उसी तरह आपका 5b माइनस 7d ओके। चलिए माइनस 2a प्लस 3c, अब यहां से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मेरा माइनस 2b प्लस में 3d, अब इधर जाएंगे इधर तो सेम ही है माइनस 16 माइनस 6 7 2 ठीक है। अब आपका यहाँ चार इक्वेशंस बनेंगे ठीक है, चार इक्वेशंस बनेंगे ठीक है, हम यहाँ पर इसको बनाएंगे फटाफट आपके लिए, इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये आपका ये इसके बराबर होगा, मींस आपका यहाँ पर चार इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, 5a
माइनस सेवन सी इक्वल टू क्या माइनस सिक्सटीन, ये फर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छी बात है। उसी तरह आपका फाइव बी माइनस सेवन डी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सिक्स के बराबर हो जाएगा, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। सेम उसी तरह से आपका माइनस टू ए प्लस थ्री सी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, सेवन, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। आपका क्या हो जाएगा उसका फोर्थ इक्वेशन, माइनस टू बी प्लस थ्री डी इक्वल टू टू, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। चार इक्वेशन है आपके पास और चार वेरिएबल है, ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको और आसान कर देते हैं। ए और सी वाला ये टर्म है, ए और सी वाला ये टर्म है, आपको वन और थ्री को सॉल्व कीजिएगा तो ए और सी यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह आप टू और फोर को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बी और डी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब हम 5a माइनस सेवन सी इक्वल टू माइनस सिक्सटीन है, ठीक है, उसी तरह आपको क्या हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, a और c है, माइनस टू ए प्लस में थ्री सी है, ठीक है, इक्वल टू मेरा माइनस टू ए सेवन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। चलिए हम कोई सा भी अब यहाँ से ले लेते हैं, जैसे हमको c हटा देना चाहते हैं। देखिए c क्या कहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर माइनस सेवन है, ठीक है, यहाँ पर थ्री है, तो ऐसे तो हटेगा नहीं, ठीक है, इसके आगे क्या है, थ्री है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर माइनस सेवन है तो हम लोग माइनस सेवन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, देख लीजिएगा, पांच थ्री पंद्रह ए, पंद्रह हो गया माइनस सत्तर इक्कीस सी हो जाएगा, ये सोलह तीन अड़तालीस, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका चौदह ए हो जाएगा, ये आपका माइनस इक्कीस सी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका माइनस उनचास। अब आप क्या करिए, घटा दीजिए इसको, माइनस प्लस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पंद्रह में चौदह के ए हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, अब हमारे क्या हो जाएगा, उनचास में से अड़तालीस के एक वन हो जाएगा, ठीक है, ए का वैल्यू आपका क्या आ गया, वन आ गया, ए का वैल्यू आपका वन आ चुका है, ठीक है, उसी तरह ए का वैल्यू आ गया तो हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देते हैं, फाइव ए माइनस सेवन सी इक्वल टू माइनस सोलह, आपका क्या ए का वैल्यू डालेंगे तो फाइव इज टू वन, फाइव ही रहेगा, माइनस सेवन सी इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, माइनस सेवन सी इक्वल टू माइनस सिक्सटीन माइनस फाइव, ए मेरा माइनस ट्वेंटी वन हो जाएगा, माइनस सेवन सी लिखेंगे, इसको इसको उड़ा देंगे, आपका थ्री बचेगा, सेवन मेरा सी इक्वल टू थ्री आ गया, ए मेरा क्या आ जाएगा वन और सी मेरा थ्री आ गया, ठीक है, हमने दो इक्वेशन लिया उसको आसानी से हमने सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है, ए इक्वल टू वन आ गया और सी इक्वल टू थ्री आ गया, ठीक है। चलिए अब आप क्या कीजिएगा, सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, बी और डी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, क्या क्या है, फाइव बी माइनस सेवन डी, फाइव बी माइनस सेवन डी इक्वल टू क्या था, देख लेते हैं यहाँ पे माइनस सिक्स था। चलिए एक आपका इक्वेशन ये सेकेंड नंबर है, सेम उस तरह हमको लिखना है माइनस टू बी प्लस थ्री डी इक्वल टू टू, माइनस टू बी प्लस में मेरा थ्री डी इक्वल टू क्या था, टू था, ठीक है, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी और डी का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम जिस किसी को भी यहाँ पर भी देखिए, डी के सामने थ्री है तो हम लोग यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर डी का माइनस सेवन तो माइनस सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए क्या आता है, पांच थ्री पंद्रह बी, सात तीन इक्कीस डी, माइनस अठारह आपका ये चौदह बी हो जाएगा, ये आपका माइनस सात तीन इक्कीस डी हो जाएगा और मेरा माइनस चौदह, ठीक है, अब माइनस कर दो, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पंद्रह चौदह का बी हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा और आपका ये माइनस फोर हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस फोर। अब हम लोग बी का वैल्यू माइनस फोर तो आ चुका है, अब हम डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, फाइव बी माइनस सेवन डी इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है, अब बी का वैल्यू डालेंगे फाइव इंटू माइनस फोर,
माइनस सेवन डी इक्वल टू माइनस सिक्स, तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस बीस माइनस सेवन डी इक्वल टू माइनस सिक्स हो जाएगा, तो माइनस सेवन डी, ठीक है। अब हम लोग यहां पर डाल देते हैं ए माइनस सिक्स हो गया, ये माइनस सेवन डी तो आ गया, माइनस सिक्स प्लस में आप ट्वेंटी डाल देंगे तो मेरा ये माइनस ये प्लस चौदह आएगा, मेरा d इक्वल टू चौदह बटा माइनस सात, मेरा माइनस दो आ जाएगा, ठीक है। तो d मेरा माइनस दो आ गया, ठीक है। b का भी वैल्यू निकल गया माइनस फोर और आपका d का भी वैल्यू माइनस टू निकल गया, ठीक है। और a और c तो पहले ही हमारा निकल चुका है यहाँ वन और थ्री, ठीक है। तो आपका a का वैल्यू आ गया वन और c का वैल्यू थ्री, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। बस आपका बेसिक चीज है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले ए का ऑर्डर निकाल लीजिए, उसके बाद इसको लेट कर लीजिए हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या कर लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लिए एलएचएस को, अब आरएचएस के इक्वल कर दिए, आप चार इक्वेशन निकला, चार वेरिएबल हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।